Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are okay and putting your best efforts for the preparation of senior leader test. अच्छा, इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओपन कंपेटिटिव बिडिंग मेथड के अंडर चार प्रोसीजर्स आते हैं. सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर, सिंगल स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर, टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर एंड टू स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर. ये चार प्रोसीजर्स हैं अंडर ओपन कंपेटिटिव बिडिंग. इन चार में से दो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, सिंगल स्टेज वन एनवेलप एंड सिंगल स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर हमने डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया. अगर किसी ने नहीं देखा, स्किप हो गया है, तो वो दोबारा उनको जाकर चेक कर सकता है, वहाँ से वो देख सकता है. अच्छा, अब इसमें टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, टू स्टेज ज़ाहिर नाम से ही शो हो रहा है, यानी यहाँ पर इस बिडिंग प्रोसीजर में हमारी दो स्टेजेस होंगी. हमने जो प्रोसेस करना है बिडिंग प्रोसेस प्रोक्योरमेंट को, वो दो स्टेजेस में करना है. पहली स्टेज पे हमने देखना है टेक्निकल को, दूसरी स्टेज पर टेक्निकल एंड जो प्राइस होगी वो उसको करना है. अच्छा, फर्स्ट स्टेज में हमने क्या करना है, एज पर पेपर रूल, सबसे पहले तो हमने बिड डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं टेक्निकल. सबसे पहले इनविटेशन लेना है हमने टेक्निकल प्रपोजल का. जब टेक्निकल प्रपोजल सबमिट हो गई, वो विदाउट प्राइस होंगी, उसमें फाइनेंशियल नहीं होगा, यानी कि फाइनेंशियल यहाँ से मुराद ओनली प्राइस ऑफ द बिड. अच्छा, अब वो जो टेक्निकल प्रपोजल आ गई है, उसको प्रोक्योरिंग एजेंसी ने इवेल्युएट करना है विज अ विज जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट दिया है और जो टर्म्स एंड कंडीशन दूसरी थी उसके मुताबिक उसको वो करना है. ये जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया और टर्म्स एंड कंडीशन इन एडवांस बिडिंग डॉक्यूमेंट में हमने दे दी होंगे एज ए प्रोक्योरिंग एजेंसी. अच्छा, अब उस इवेल्युएशन के बाद उसमें हमने डिस्कस करना है विद दी बिडर्स. प्रोक्योरिंग एजेंसी ने डिस्कशन करनी है कि विद रेफरेंस टू टेक्निकल जो मैटर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया है उसके ऊपर डिस्कशन होनी है. डिस्कशन के नतीजे में जो बिड्स हैं, टेक्निकल बिड्स हैं, उसमें कोई रिवीजन आ सकती है, कोई मॉडिफिकेशन आ सकती है, कहीं एडिशन आ सकता है, कहीं डिलीशन आ सकता है. अच्छा, इसके साथ साथ सिर्फ ओनली डिस्कशन के नतीजे में हमने बिड नहीं मॉडिफाई करनी, रादर इवेल्युएशन क्राइटेरिया और जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं ऑन द पार्ट ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी, वो भी चेंज हो सकती हैं, उनको भी रिव्यू करना है, उनको भी रिवाइज करना है, उसमें भी अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, एडिशन रिक्वायर्ड है, तो दैट विल बी. और ये सारी जो चेंजेस हैं, रिविजन्स हैं, ये प्रोक्योरिंग एजेंसी ने कम्युनिकेट करनी है टू दी बिडर्स. और इनके लिए रिवाइज सबमिशन, टेक्निकल बिड सबमिट करने के लिए अलॉन्ग विद देयर प्राइसेस, देयर फाइनेंशियल बिड, उनको एक आपने सफिशिएंट टाइम देना है. अब वो जो सफिशिएंट टाइम है सबमिशन के लिए, वो नेशनल बिडिंग की सूरत में 15 डेज से कम नहीं होना चाहिए, और इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिडिंग वो 30 डेज से कम नहीं होना चाहिए. अच्छा व्यूअर्स, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें और इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे अहबाब को भी बेनिफिट हो और आपको भी जो आने वाली वीडियोस हैं, पूरी सीरीज़ है वीडियोस की, वो आपको मिलती रहें. ये ना हो कि आप एक वीडियो देखें और उसके बाद दूसरी आपको ना मिले और इसमें रब्त जो है ना वो ना रहे. अच्छा, अब ये तो थी जो प्रोसेस हमने करना था फर्स्ट स्टेज में. अब फर्स्ट स्टेज में एक और चीज़ भी मिसिंग है. फर्स्ट स्टेज में इवन अगर कोई बिडर जो अदरवाइज सक्सेसफुल है, रिजेक्ट आपने नहीं किया, वो एग्री नहीं है फॉर रिवीजन ऑफ द टेक्निकल बिड, या वो एग्री नहीं है टू द रिवाइज्ड इवेल्युएशन क्राइटेरिया, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर वो रजामंद नहीं हो रहा, तो प्रोक्योरिंग एजेंसी अलाउ करेगी, उनको परमिट करेगी कि वो अपनी जो बिड है उसको विदड्रा कर लें और उसकी जो बिड सिक्योरिटी है वो फोरफीट नहीं होगी, जब्त नहीं होगी. अच्छा, अब सेकंड स्टेज में क्या प्रोसेस होने हैं, वो तीन अवामिल होने हैं ना,
तीन प्रोसेसेस आपने करने हैं, तीन एक्शंस आपने करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो रिवाइज्ड टेक्निकल प्रपोजल अलॉन्ग विद फाइनेंशियल बिड जो प्राइस है वो सबमिट करानी है किसने, बिडर ने, अकॉर्डिंग टू एग्रीड या कम्युनिकेटेड टाइम, डेट और प्लेस, उसमें वो सबमिट करानी है। सबमिट करने के बाद प्रोक्योरिंग एजेंसी ने ओपन करनी है रिवाइज्ड टेक्निकल प्रपोजल एज वेल एज फाइनेंशियल प्रपोजल, और इनको अगेंस्ट इवेल्यूशन क्राइटेरिया और टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपने एवेल्युएट करना है। इवेल्यूशन के ऊपर आपने वो जो क्राइटेरिया बनाया गया विद रेफरेंस टू रैंकिंग ऑफ द बिड्स वो भी अप्लाई करना है। उसके बाद जो मोस्ट एडवांटेजेस बिड होगी उसको आपने एक्सेप्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है, और आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा आफ्टर सप्लाई ऑफ द ऑर्डर या कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब मोस्ट एडवांटेजेस बिड हम बार बार पढ़ेंगे ताकि हमें ये सारी बिल्कुल मेमोराइज हो जाए। मोस्ट एडवांटेजेस बिड वो होगी जो रिस्पॉन्सिव टू योर इवेल्यूशन क्राइटेरिया, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, और जो प्रोक्योरिंग एजेंसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम को रिस्पॉन्सिव भी हो और हाइएस्ट रैंक्ड हो विद विज क्वालिटी प्राइस और एनी अदर फैक्टर डिसाइडेड बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप इन टच विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।